अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वावधान में जिलाधिकारी रोहित वाल्मीकि के नेतृत्व में नवयुवक संघ के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को सौंपा, जिसमें कहा गया कि ग्राम अदलपुर जोगिया सियाली छजलेट थाना क्षेत्र के निवासी वाल्मीकि परिवार द्वारा खरीदी गई जमीन पर ग्राम के ही कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है। वे वाल्मीकि परिवार को जमीन पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। इस संदर्भ में वाल्मीकि परिवार द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस समस्या को लेकर अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में हस्तगत कराया और कार्यवाही की मांग की है। थाना छजेट में एक जोगिया सिहाली गाँव पड़ता है, वहाँ पर हमारे वाल्मीकि समाज की जदबती है, जिन्होंने 7 बी से जमीन ली थी। दबंग प्रधान के जो चाचा हैं और पाल समाज के कुछ दबंग व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उनकी मारपीट की जाती है और उनको जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाता, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, इनको कब्जा पुलिस कराए, लेकिन पुलिस भी उनके दबाव में है। और कई बार कहने के बावजूद थाने पे SSP साहब के पास कई बार उन लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है, तब भी उनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक के कार्यकर्ता SSP महोदय इसके साथ आज जाके मिले हैं और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है कि उनकी जो जमीन है वो उनको वापस मिलेगी। ये जमीन खरीदी गई है या उनकी पैतृक जमीन? उन्होंने 4 साल पहले जमीन खरीदी थी, जिसका बेनामा है, जिसका घाटा संख्या 221 है और रकबा जो है 052 है, 0.052 है। और जिनसे जमीन ली थी वो लोग भी कई बार यहाँ पर आ चुके हैं कि हाँ हमने जमीन बेची है, लेकिन पाल समाज के लोग जो दबंग व्यक्ति हैं वो वाल्मीकि समाज को वहाँ बसने नहीं देना चाहते। तो जगपती जी ने आज SSP साहब को ज्ञापन में कह दिया है साहब कि यार अगर हमारी जमीन तो हमें नहीं मिलती है तो हम अपना धर्म और अपना गांव दोनों ही छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहें, भाजपा सरकार में ये सब कुछ भी करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, सरकार का तो ये है कि अभी सरकार तक बात पहुंची नहीं थी, अब हमने आज SSP साहब को दिया है। अगर यहाँ से बात नहीं बनती तो अगला जो ज्ञापन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश को दिया जाए। अधिकारी बेलगाम हो गए जी? अधिकारी तो बेलगाम है, सुनने उठाया।